मान लो यहाँ पे कलर कोडिंग ना होती और हमें ये टास्क दे दिया जाता है कि आपको इसमें पता करना कौन सा फेस कौन सा न्यूट्रल है, तो इसको हम इजीली टेस्ट लैम्प की सहायता से कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि फेस और न्यूट्रल के बीच में ये टेस्ट लैम्प के जो दोनों बल्ब हैं वो स्लो जलेंगे, और अगर इसको फेस टू फेस पे लगाएंगे ये दोनों तार, तो वो क्या होंगे, ये दोनों टेस्ट लैम्प बहुत ब्राइट तेज जलेंगे। इसको हम यहाँ पे करके आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक तार पर न्यूट्रल लगा दिया, और उसके बाद ये बगल वाला कोई भी एक फेस ले लेंगे, इस फेस पे लगाया तो ये देखो बल्ब जल रहा है आपके सामने। इसका किसी दूसरे फेस पे लगाया, सेम उसी तेज जितना पहले जल रहा था उतना ही तेज बल्ब जल रहा है। अब इसको तीसरे फेस पे लगाया तो ये वही सेम ब्राइटनेस है। अब हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं कि किसी दो फेस पे लगा दें, तो एक फेस ये है और एक फेस ये है, आर और वाई। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बल्ब जो है अब काफी तेज ग्लो हो रहा है पहले वाले से तुलना में, लगभग डबल ब्राइटनेस है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या है। फेस टू न्यूट्रल में बल्ब धीमे जलेगा, फेस टू फेस में बल्ब क्या होगा, तेज जलेगा।